हरे कृष्ण मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संगीत अभ्यास में आपकी प्रगति अच्छी हो रही है क्योंकि आपको सही दिशा मिली है। आप में से अधिकतर विद्यार्थी फिल्मी गाने गाना पसंद करते हैं और कोई विद्यार्थी शास्त्रीय संगीत भी सीखना चाहते हैं और शास्त्रीय संगीत की परीक्षा भी देना चाहते हैं। हमारे इस संगीत अभ्यास में हम अपनी वोकल रेंज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पहले हमने सारे पाठ किए काली चार पट्टी में, यानी जी शार्प स्केल में। जब आपके ऊपर के थोड़े नोट अच्छी तरह लगने लगे, तब हमने वो पट्टी एक सुर से बढ़ाई, यानी ए शार्प स्केल में हम गाने लगे, जिसको काली पांच पट्टी कहते हैं। इस काली पांच पट्टी ए शार्प स्केल में भी आप अच्छी तरह ऊपर के नोट्स लगा पा रहे हो, इसलिए अब हम सफ़ेद एक पट्टी यानी कि सी स्केल में ये पाठ करने की कोशिश करेंगे। फिल्मी गाने जितने भी कंपोज रहते हैं, उसमें सबसे नीचे की जो साउंड फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है डी शार्प टू, यानी दूसरी काली दो, जिसका हर्ट्ज में मेजरमेंट होता है 77 हर्ट्ज। और इन फिल्मी गीतों में कंपोजिशन जो हुआ होता है उसमें लगभग जो ऊंची साउंड फ्रीक्वेंसी लगती है, हायर नोट, वो नोट होता है F4 यानी चौथा सफेद चार, जिसकी मेजरमेंट होती है 349 हर्ट्ज। इसका मतलब ये हुआ आपको आपकी वोकल रेंज जो है वो 77 हर्ट्ज, ये लो पिच, यहाँ से लेकर 349 हर्ट्ज, ये हाई पिच, इतनी ये आपकी वोकल रेंज होना जरूरी है। इसीलिए हम अलग अलग पट्टियों में अभ्यास कर रहे हैं। इसका नतीजा तो सामने है ही, आप बड़े कॉन्फिडेंटली ये ऊपर के नोट्स अब अच्छी तरह लगाने लगे हो, आप सारे प्लेन नोट्स बहुत अच्छी तरह गाने लगे हो। इसलिए हम अब हमारे संगीत अभ्यास में थोड़ा नखरा ले आएंगे यानी थोड़ा मेकअप करेंगे। मेकअप करना बड़ा जरूरी होता है। आप जब मेकअप करते हो, थोड़ा नखरा करते हो, तभी किसी कवि को मैं कहीं कवि न बन जाऊं ये अंदर से लगता है ये गाना गाने की, तो नखरा लाना जरूरी है। ये नखरा लाने के लिए हमको खटका, मुरकी, मींड, गमक, ये जो ढंग है इनकी रियाज करना जरूरी है। इन ढंगों की हम रियाज सफेद एक पट्टी में करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप ये बहुत अच्छी तरह मेकअप कर पाओगे, यानी वो सुरों में सुंदरता ला पाओगे, वो नखरा आपकी गायकी में आप दिखा पाओगे। खटका, दो स्वरों की गोलाई करते हुए मूल स्वर के ऊपरी या निचले स्वर पर हल्का सा आघात कर गाने के ढंग को खटका कहा जाता है। खटका, वाइल सिंगिंग अ नोट व्हेन यू क्विकली टच अ हायर और लोअर नोट बिफोर लैंडिंग ऑन योर नोट, इट इज कॉल्ड खटका। यू डू नॉट प्रोनाउंस द नोट दैट यू टच बट यू डू सिंग इट। ये है सफेद एक पट्टी। यहां से हम सारे गमों पौधनी सा प्लेन ढंग में पहले गाएंगे। सारे गम पौधनी सा आप सारे गमो पधनी सा सानी धप मगर ऐसा गाइए। अभी हम सारे गमो पधनी सा सानी धप मगर ऐसा खटका ढंग में गाएंगे। सा रे ग म प ध नी सा
ढंग में मैं क्या करता हूँ, मैं सा को दबाए रखता हूँ और रे पे आघात करता हूँ, ये ऐसे। फिर रे को दबाए रखता हूँ और ग पे हल्का आघात करता हूँ, फिर ग को दबाए रखता हूँ, म पे हल्का आघात करता हूँ, फिर म को दबाए रखता हूँ, प पे हल्का आघात करता हूँ, फिर प को दबाए रखता हूँ, ध को हल्का आघात करता हूँ, फिर ध को दबाए रखता हूँ, नी पे हल्का आघात करता हूँ, फिर नी को दबाए रखता हूँ, सा पे हल्का आघात करता हूँ। अब सुनिए, सा, मैंने सारे सा किया लेकिन मैंने रे का उच्चार नहीं किया, मैंने रे की साउंड फ्रीक्वेंसी गाई, सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा। आप गाइए। और एक बार गाइए। और एक बार गाइए। और एक बार गाइए। और एक बार गाइए। रफ्तार बढ़ाएंगे। सा रे ग म प ध नी सा नी ग म
गाइए। और एक बार गाइए। और एक बार गाइए। और एक बार गाइए। और एक बार गाइए। रफ्तार बढ़ाएंगे। सारे आप गाइए। और एक बार गाइए। और एक बार गाइए। और एक बार गाइए। और एक बार गाइए। रफ्तार बढ़ाएंगे। आप गाइए। और एक बार गाइए। और एक बार गाइए। और एक बार गाइए। और एक बार गाइए।